हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर इज़ एयर वाटर एंड वेदर। बट बिफोर एक्सप्लेनेशन आई विल डिस्कस हार्ड वर्ड ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट हार्ड वर्ड इज़ वेदर, weather, वेदर। वेदर मीन्स द कंडीशन ऑफ द एयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। किसी भी प्लेस का हम पर्टिकुलर टाइम पे वेदर की कंडीशन को हम जान सकते हैं। जैसे सनी डे रहेगा या हैवी रेन होगी या स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी या जेंटल विंड चलेगी, तो हमें किससे पता चल जाता है? विद द हेल्प ऑफ वेदर। नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज रेवोल्यूशन, REVOLUTION। रेवोल्यूशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अर्थ जब सन के चारों ओर मूव करती है तो हम उसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। एंड रेवोल्यूशन कॉजेज चेंज इन सीजन। विंटर सीजन आता है, समर सीजन आता है, वो किसके कारण? रेवोल्यूशन के कारण। अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, हाउ मच टाइम? अर्थ टेक 365 डेज। अर्थ को सन के चारों ओर मूव करने के लिए कितना टाइम लग जाता है, कितने डेज लग जाते हैं? 365 डेज। नाउ नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज रोटेशन, ROTATION। रोटेशन, रोटेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस। मीन्स अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पर क्या करती है? मूव करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन। एंड रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। दिन होता है, रात होता है, वो किसके कारण? अर्थ की रोटेशन के कारण। और वन रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? वन डे। वन डे किसके बराबर होता है? 24 hours। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। नाउ नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज ह्यूमिडिटी, HUMIDITY। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में भी क्या होते हैं? वाटर वेपर होते हैं। जब हवा में वाटर वेपर ज़्यादा हो जाते हैं तो वेदर उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है? ह्यूमिड हो जाता है। उतनी ही ज़्यादा आपको उमस लगेगी, आपकी बॉडी में स्वेट ज़्यादा आएगा, चिपचिपा होगा, स्टिकी फील करोगे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। नाउ नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज सैचुरेटेड, SATURATED। सैचुरेटेड मीन्स टू सोक कम्प्लीटली। टू सोक कम्प्लीटली मीन्स गीला या पानी से भरा हुआ। तो व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड? टू सोक कम्प्लीटली। नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज एटमोसफियर, ATMOSPHERE। एटमोसफियर, एटमोसफियर मीन्स अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ एयर। हमारे अर्थ के चारों ओर क्या है? एयर का जो है ब्लैंकेट है। ओके, तो ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर। नाउ नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज विंड, WIND। विंड मीन्स मूविंग एयर, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। नेक्स्ट इज ब्रीज, BREEZE। ब्रीज, ए जेंटल विंड इज कॉल्ड ए ब्रीज। नाउ नेक्स्ट इज गेल, GALE, गेल, ए स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ गेल। नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज थंडरस्टॉर्म, THUNDERSTORM। थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म मीन्स ए स्टॉर्म इंक्लूड विद थंडर एंड लाइटनिंग। स्टॉर्म में तेज तूफान जो है थंडर के साथ और लाइटनिंग के साथ आता है, उसको हम क्या कहते हैं? थंडरस्टॉर्म। थंडर का मीनिंग होता है गरजने की आवाज़ और लाइटनिंग का मीनिंग होता है बिजली जब चमकती है। जब तूफान आता थंडर और लाइटनिंग के साथ तो हम उसको क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म। नाउ नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज सी ब्रीज, SEABREZE। सी ब्रीज, सी ब्रीज मीन्स द कूल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवार्ड्स द लैंड ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के टाइम में जो कूल ब्रीज, ठंडी हवा जो चलती है, वो समुद्र से होकर कहाँ आती है? लैंड की तरफ। तो उसको हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज। नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज मीन्स द कूल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम
द लैंड टुवार्ड द सी एट नाइट। नाइट टाइम में क्या होता है, कूल ब्रीज जो है लैंड से होकर कहाँ जाती है, समुद्र की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। नाउ नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज इवेपोरेशन, ई वी ए पी ओ आर ए टी आई ओ एन, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में, और वाटर वेपर को हम क्या कहते हैं, स्टीम। नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज वाटर वेपर, एंड वाटर वेपर आल्सो कॉल्ड स्टीम। नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज कंडेंसेशन, सी ओ एन डी ई एन एस ए टी आई ओ एन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स वाटर वेपर मीन्स स्टीम चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। घर में आपने देखा होगा मम्मा दूध जब गर्म करते हैं, और दूध गर्म करने के बाद हम उसको जब ठंडा होने के लिए रख देते हैं और उसके ऊपर लिड रख देते हैं, ढक्कन जब रख देते हैं, तो आप जब थोड़ी देर के बाद उस लिड को या ढक्कन को जब उठाओगे या प्लेट को जब उठाओगे, तो आप क्या देखोगे, उस ढक्कन के नीचे, उस प्लेट के नीचे क्या होंगी, पानी की बूंदें होंगी। ठीक है, स्टीम वाटर वेपर जब प्लेट से, प्लेट की सरफेस से टकराएंगे, तो वाटर वेपर फिर किससे चेंज हो जाएंगे, वाटर में, ऑन कूलिंग, कूलिंग हो रही है क्योंकि प्लेट जो थी वो, उसका सरफेस जो था ठंडा था। वाटर वेपर जब प्लेट के सरफेस से टकराएंगे तो वो किस में चेंज हो रहे हैं, वाटर। तो व्हाट डू मीन बाय कंडेंसेशन, वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आप ठंडा पानी गिलास में, स्टील के गिलास में भी डालिए और बाहर रख दीजिए ठंडा होने के लिए, तो आप क्या देखोगे, ग्लास के बाहर सरफेस में पानी की छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, वो भी क्या, आपका कंडेंसेशन। मॉर्निंग टाइम में जब आप बाहर उठते हो तो आप क्या देखते हो, आपके गाड़ी के ऊपर पानी की कुछ बूंदें पड़ी होती हैं, घास के ऊपर, लीव्स के ऊपर पानी की कुछ ड्रॉपलेट्स पड़ी होती हैं, वो भी किसके कारण होता है, कंडेंसेशन। ओके, नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज ड्यू, डी ई डब्ल्यू ड्यू। ड्यू मीन्स होती है ओस की बूंदे, मॉर्निंग टाइम में या विंटर सीजन में ज़्यादातर होता है। ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग वी सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन ग्रास एंड लीव्स। विंटर में, सर्दियों में क्या होता है, जब आप सुबह उठते हो तो आप क्या देखते हो, घास पर भी, लीव्स के ऊपर पानी की बूंदें पड़ी होती हैं, उन बूंदों को हम क्या कहते हैं, ड्यू, वो भी किसके कारण हो रहा है, कंडेंसेशन के कारण। नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज कंटिन्यूसली, सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस एल वाई, कंटिन्यूसली मीन्स लगातार, जो कभी रुकता नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली मीन्स लगातार। नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग, बी ओ आई एल आई एन जी, बॉइलिंग, बॉइलिंग मीन्स उबालना। नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज सेडिमेंटेशन, एस ई डी आई एम ई एन टी ए टी आई ओ एन, सेडिमेंटेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज या सब्सटांसिस सेटल डाउन इन लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में वाटर लीजिए, उसमें वन स्पून सॉइल ऐड कीजिए, उसको स्पून से मिक्स कर दीजिए, तो वो वाटर कैसा बन जाएगा, मडी वाटर। अब उस ग्लास को, उस मडी वाटर को आप टेबल पर 15 मिनट के लिए रख देना है और उसको बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है। आफ्टर 15 मिनट या हाफ आवर के बाद यू विल ऑब्जर्व दैट इनसॉल्युबल सब्सटांसिस सेटल डाउन इन लिक्विड, मींस जो सब्सटांस पानी में मिक्स नहीं होते हैं वो पानी के नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज डीकैंटेशन, डी ई सी ए एन टी ए टी आई ओ एन, डीकैंटेशन। डीकैंटेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच द वाटर इज जेंटली पोर्ड आउट आफ्टर सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद डीकैंटेशन किया जाता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटांसिस पानी में नीचे बैठ जाते हैं, जो वाटर ऊपर रह जाता है तो उस वाटर को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं इनसॉल्युबल सब्सटांसिस से, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीकैंटेशन। बोथ प्रोसेसेस अकर टुगेदर, दोनों ही प्रोसेस जो है इकट्ठे होते हैं, पहले सेडिमेंटेशन और उसके बाद डीकैंटेशन। नेक्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, एफ आई एल
TRATION. Filtration means the process in which water is cleaned by passing it through a filter paper is called a filtration. Filtration में हम एक filter paper का use करते हैं. ये paper जो आपके notebook की copy की तरह नहीं होता है, ये laboratory में होता है. और filter paper का use करके जब हम water को clean करते हैं, तो filter paper जो है सिर्फ liquid को pass होने देता है, और जो dust particles होते हैं, वो filter paper के ऊपर ही रहते हैं. तो what do you mean by filtration? The process in which water is cleaned by passing it through a filter paper is called a filtration. Look at this picture. It is a filter paper. Next one is chlorination. 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 Chlorination means it is a process in which chlorine is added to kill germs in dirty water. Chlorine की tablets होती हैं पानी को clean करने के लिए. उसमें जो germs होते हैं कीटाणुओं को मारने के लिए हम क्या use करते हैं? Chlorine. तो it is a process in which chlorine is added to kill germs in dirty water. Now we will discuss keywords, means defines. So first keyword is humidity. What do you mean by humidity? Yes, tell me. The amount of water vapor present in the air. Air mein jab water vapor jo present hote hain usko hum kya kehte hain? Humidity. Agar air mein water vapor की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वेदर उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है? ह्यूमिड, उमस वाला हो जाता है. हमारा बॉडी जो है ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, हमें स्वेट ज़्यादा आता है. अगर ह्यूमिडिटी कम होती है, मीन्स वाटर वेपर कम होते हैं, तो वेदर कैसा रहता है? ड्राई. नेक्स्ट हार्डवर्ड इज एटमोसफियर. द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमोसफियर. हमारा ओनली एक अर्थ है जहाँ पर एयर होती है. तो वट डू मीन बाई एटमोसफियर? द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमोसफियर. नेक्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन. द प्रोसेस बाई विच द इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज या सब्सटांसिस सेटल डाउन इन लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या होता है? मडी वाटर में आप जो सब्सटांसिस मिक्स नहीं होते हैं वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं, और ऊपर का आप जब पानी देखोगे वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन. और सेडिमेंटेशन के बाद हम कौन सा प्रोसेस करते हैं? डीकेंटेशन. DECANTATION. द प्रोसेस बाई विच वाटर इज जेंटली पोर्ड आउट आफ्टर सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डीकेंटेशन. सेडिमेंटेशन के बाद आप विदाउट डिस्टर्ब उस ग्लास को उठाते हैं जिसमें से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स पानी के नीचे बैठ जाते हैं. उस पानी को आप दूसरे कंटेनर में जब चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीकेंटेशन. द प्रोसेस बाय विच वाटर इज जेंटली पोर्ड आउट आफ्टर सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डीकेंटेशन. नेक्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन. द प्रोसेस बाय विच वाटर इज क्लीन्ड बाय पासिंग इट थ्रू ए फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं. फिल्टर पेपर सिर्फ जो है वाटर को ही पास होने देता है, और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रहते हैं. स्टूडेंट, राइट हार्ड वर्ड्स एंड की वर्ड्स इन फियर नोटबुक.